Subscribe to Movie Talkies and click on the bell icon for latest updates. Welcome to 92.7 Big FM. आप दोनों का स्वागत अलग आपके लिए. हम ये जो शो लेकर आ रहे हैं, इसका नाम है पल पल आशा. तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप. So, hello everyone. Really happy आप सभी को एक बार फिर से देखकर. बहुत ही ज़्यादा excited हूँ मैं इस project को लेकर, because जैसे कि दिलीप जी ने mention किया, सुरीला September है और हम singers के लिए जितने भी लोग music से associated हैं, ये month एक festival जैसा होता है, because आशा जी, लता जी दोनों का birthday इस महीने में आता है और यहाँ पर हम celebrate कर रहे हैं पल पल आशा concert. जहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल प्रोजेक्ट हम तीनों लेकर आ रहे हैं बिग एफएम के थ्रू. मेरे लिए पर्सनली बहुत स्पेशल बात इसलिए है बिकॉज आशा जी मेरे लिए माँ सरस्वती जी के समान हैं और उनके बारे में बात करना, उनके गाने गाना बहुत स्पेशल फीलिंग है. और इस शो की स्पेशल बात ये है कि हम दोनों तो यहाँ पर अनप्लग्ड सॉन्ग्स प्रेजेंट करने वाले ही हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 8 सितंबर. पूरे एक हफ्ते चलने वाला है ये शो. साथ ही साथ आशा जी का लाइव कॉन्सर्ट भी आप सभी को सुनने को मिलेगा इस शो में. एब्सोल्युटली. उस कॉन्सर्ट के बारे में मैं कुछ बातें आपको बता दूं. पंचमदा और आशा ताई ने मिलकर लाइव कॉन्सर्ट किया था और उसी कॉन्सर्ट को बिल्कुल वैसे ही आप सुन पाएंगे 92.7 बिग एफएम पर. हम साथ मिलकर उस कॉन्सर्ट को सुनने वाले हैं, पलक पलाश और मैं. और पलक और पलाश आशा ताई के ही गाए हुए गाने, अलग अलग अंदाज के डांसिंग नंबर्स हो या फिर इमोशनल नंबर हो या फिर सिलेक्टिव नंबर हो, ये सारे हर रोज की एक थीम के हिसाब से गाने होने वाले हैं. अब अंदर तो हम बहुत मस्ती कर रहे थे. पलाश आप चुप क्यों हैं? आप भी कुछ बोलिए ना. पलक दीदी बोले तो फिर. अभी दीदी नहीं, अभी आप बोलेंगे. चलिए बोलिए. फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन. एंड मैं भी पलक दीदी की तरह और आपकी तरह बहुत एक्साइटेड हूँ ये शो को लेके, क्योंकि मैंने एज अ कंपोजर भी बहुत कुछ सीखा है आशा जी से. जब मैं उनसे मिला था, जो छोटी छोटी बातें उन्होंने बताई थी उससे बहुत कुछ सीखा है. एंड आज भी हम लोग उन्हीं सॉन्ग्स को लेके ट्राई करते हैं कि उतना मधुर, उतना प्यारा गा सके सिंगर भी. सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस. वैसे बातें हो गई, जनरली ये पहले करना चाहिए, लेकिन मैं अब आपका वेलकम करता हूँ एक बहुत ही खूबसूरत इस बुके के साथ. पलक थैंक यू सो मच और पलाश ये आपके लिए थैंक यू सो मच. एंड एक अमेजिंग शो होने वाला है, हट के शो है. मैं उसके बियॉन्ड जाकर आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि शायद रेडियो के इतिहास में ये पहली बार जहां पर आशा ताई का लाइव कॉन्सर्ट भी सुन रहे हैं आप, पलक और पलाश को लाइव एंड अनप्लग परफॉर्म करते हुए भी सुनने वाले हैं. सुनना मत भूलिएगा. जैसे कि मैंने कहा कि आशा जी मेरे लिए पर्सनली माँ सरस्वती जी जैसी ही हैं. सो उनके बारे में कुछ भी कहना या उनके गाने के लिए मैं खुद को बहुत छोटा मानती हूँ, लेकिन ये हमारी एक कोशिश है उन्हें खुश करने की, उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने की. सो आई एम रियली हैप्पी कि बिग एफएम ने हम दोनों को चुना इस सेलिब्रेशन के लिए. सो पूरे हफ्ते चलने वाला है. एंड ख़ास बात ये है कि इस बार हम दोनों तो अनप्लग्ड सॉन्ग्स गाने ही वाले हैं, साथ ही साथ आशा जी हमारे साथ शामिल है. आशा जी के जो पुराने कॉन्सर्ट्स हैं वो भी आप सभी को सुनने को मिलेंगे. आर डी बर्मन जी के साथ उन्होंने जितने भी परफॉर्मेंसेस दिए हैं, सो इट्स अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट. दैट्स अ सरप्राइज बिकॉज आशा जी के कुछ हाँ सो आशा जी इंडिया में नहीं है, लेकिन बिग एफएम की तरफ से कोशिश की जा रही है और ये एक सरप्राइज एलिमेंट है. मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगी इसके बारे में अभी, लेकिन या डेफिनेटली ऐसी संभावनाएं हैं कि आशा जी हमारे साथ जुड़ेंगी इस.
कार्यक्रम में। पलाश, कितना नया श्रोता को सुनने के लिए मिलेगा क्योंकि उनके लाइव कॉन्सर्ट वगैरह भी आप लोग जी करने वाले हैं। जी उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बहुत कुछ नया सुनने को भी मिलेगा, उनके जो गाने हैं जो कि आई डोंट थिंक कि वो कभी रिक्रिएट हो सकते, इतने अच्छे से गाए हैं, लेकिन हम लोगों ने अपना टच दिया है, थोड़ा सा अनप्लग किया है। सो पलक दीदी बहुत अच्छा गाती है जो सबको पता है, तो कोशिश की है पलक दीदी ने भी कि कहीं ना कहीं वहाँ तक पहुँच सके। दिस वॉज कम्प्लीटली बिग एफएम्स आइडिया, पल पल आशा कॉन्सर्ट, एंड हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए बिकॉज पल पलाश से है, पल दूसरा पल मुझसे है। सो जब दिलीप जी ने पहली बार ये मैंशन किया, सो आई वॉज पर्सनली वेरी वेरी एक्साइटेड बिकॉज दिस इज रियली इनोवेटिव आइडिया। वैसे मुझे लगता है कि पुरानी जो मेलोडीज़ हैं वो रिक्रिएट नहीं की जा सकती बिकॉज दोज आर इमॉर्टल मेलोडीज़। और जैसे कि पलाश ने मेंशन किया, हमने सिर्फ कोशिश की है, आशा जी की तरह तो कोई भी नहीं गा सकता, बट फिर भी अगर मुझे मौका मिले उनका कोई गाना गाने का, सो आई वुड सिंग दो लफ्ज़ों की है दिल की कहानी। Apart from this, something out of the box we have done. This, recent attack on Gauri Lankesh. What's your view? I think today we are here for this. Being an Indian, being a part of this country, what's your view? Do you think it's a matter of democracy? I am aware of that. The journalist, the senior journalist. Definitely, ऐसी जितनी भी घटनाएं होती हैं, हर किसी को दुख होता है, कोई भी खुश नहीं होगा अगर किसी पर अटैक हो रहा है तो। इसलिए मैं अगर कुछ कह सकती हूँ तो मैं सिर्फ दुख जता सकती हूँ, एंड ये उम्मीद कर सकती हूँ कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। There's a lot in pipeline, बहुत सारे गाने हैं, so 221 songs हैं जो मैंने record किए हैं, जो release नहीं हुए हैं, होने वाले हैं, so बहुत अच्छी films में, बहुत अच्छे projects में, बहुत अच्छे लोगों के साथ काम करने को मिल रहा है। बस यही उम्मीद है कि जितना प्यार अभी तक के गानों को मिलता आ रहा है उतना ही प्यार बरकरार रहे। Thank you so much.